हेलो चिल्ड्रेन टुडे आई शैल टीच यू न्यू एक्सरसाइज नाइन सी लुक एट दिस क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट इफ थ्री इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेवन टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज फिफ्टी थ्री फाइंड द नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या का सेवन गुना एक संख्या के सेवन गुने से यदि हम थ्री को सब कर देते हैं थ्री को घटा देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट जो परिणाम आता है वो फिफ्टी थ्री आ जाता है तो फाइंड द नंबर तो वह संख्या ज्ञात करो तो बी साल दिस क्वेश्चन लेट द नंबर लेट द नंबर इज इक्वल टू यक्स हम मान लेते हैं वो संख्या यक्स है जो नंबर दिया गया है उस संख्या को हम मान लेते हैं वो संख्या यक्ष है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार यहाँ पे कहा गया नंबर का सेवन गुना यदि हमको सेवन गुना करना है तो क्या कर देंगे सेवन मल्टीपल एक्स इजकल टू सेवन एक्स अब देखिए ये जो हमारा नंबर था अब कितना ये हो गया सेवन गुना जब ये सेवन गुना हो गया तो यहाँ पे अब हम लिख दे रहे हैं सेवन एक्स अब इसके बाद क्या कहा गया है अब यहाँ पे देखिए सेवन टाइम्स नंबर हो गया अब हमको क्या कर देना है थ्री को सब कर देना है तो अब इसमें से थ्री एक्स को थ्री एक्स से सप्टैक्ट थ्री थ्री को हम सपटैट कर दिया तो अब जब देखिए पहले हमने जब थ्री को सेवन एक्स से सप्टैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए ये वेरिएबल है एक कांस्टेंट है इसलिए इसको यहाँ पे तो आंसर नहीं आ सकता अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए आपका एड है फॉर एग्ज़ाम्पल ए फोर है तो जब हम फोर को एट से सब्टैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आया एट में से फोर को सब्टैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा फोर तो इस फोर को हम कहेंगे रिजल्ट ये हमारा रिजल्ट आया इसी प्रकार यहाँ देखिए जब हम सेवन एक्स से माइनस थ्री को सब्टैक्ट करेंगे तो कुछ आएगा तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या आ रहा है फिफ्टी थ्री तो यहाँ पर हम कर देंगे इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री यहाँ पर देखिए बिग एट इक्वेशन यहाँ पर हमको इक्वेशन प्राप्त हो गया इस इक्वेशन में देखिए ए आपका वेरिएबल है ए कांस्टेंट है ए कांस्टेंट है तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो देखिए यहाँ पे हमारा सेवन एक्स माइनस थ्री ए लेफ्ट साइड है जिसको हम कहते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष फिर इक्वल टू से देखते हैं ये जो फिफ्टी थ्री है हमारा आर एच एस यानी राइट हैंड साइड दाया पक्ष तो ए हमारा बाया पक्ष है ए हमारा दाया पक्ष है तो हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं लेफ्ट साइड और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे राइट right साइड तो इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोजिंग पछांतर करना पछ्छर करने पे क्या होता है यदि हम लेफ्ट साइड का जैसे ए लेफ्ट साइड है हमारा कांस्टेंट माइनस थ्री इसको हम राइट right साइड लाएंगे तो जो हमारा ये माइनस है साइन चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस थ्री तो चलिए सॉल्व करते हैं सेवन एक्स इजकल टू फिफ्टी थ्री अब देखिए जो एक कांस्टेंट आपका राइट right साइड था राइट साइड हमने लिख दिया ये वेरिएबल लेफ्ट साइड था लेफ्ट साइड लिख दिया इसमें नो no चेंजिंग कोई परिवर्तन नहीं होगा अब देखिए यहां पे जो आपका माइनस थ्री है माइनस थ्री को लेफ्ट से राइट right ले जाएंगे तो हमने कहा साइन चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस थ्री इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग मीन्स पछांतर करना चलिए अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल आपका है सेवन एक्स और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे फिफ्टी थ्री प्लस थ्री तो क्या जाएगा फिफ्टी सिक्स अब यहाँ पे देख देखते हैं सेवन एक्स इक्वल टू फिफ्टी सिक्स है तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया फिफ्टी सिक्स अब यहाँ पे देखिए ये आपका मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड सेवन अब सेवन से फिफ्टी सिक्स को डिवाइड करेंगे तो सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू कितनी आई एट तब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना था फाइंड द नंबर तो वो नंबर क्या हो गया एट आंसर वो नंबर हो गया आपका एट अब देखिए यदि हम इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा आंसर एट आया ये हमारा आंसर एट रांग है या राइट है तो देखिए अब इस पर फिर चले आइए देखिए ए नंबर आपको मालूम हो गया एट चेक करने के लिए चेक तो नंबर वो नंबर क्या था जो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया ए नंबर कहा गया था वो नंबर निकल कर आ रहा एट एट को हमको क्या करना है सेवन टाइम तो सेवन से मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एट सेवेंजा फिफ्टी सिक्स अब हमको 56 प्राप्त हो गया 56 में से क्या कहा गया था थ्री को सब कर दो थ्री को सब कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए 53 अब यहाँ पे देखिए थ्री सब ट्रैक्ट फ्राम सिक्स सिक्स से थ्री को सब करेंगे तो आ जाएगा थ्री यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट 53 मिल गया तो ए हमारा आंसर इज राइट कह सकते हैं हमारा आंसर ठीक है बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेकेंड फाइंड टू नंबर सच दैट वन एक द अदर बाय एलेवन एंड देयर सम इज सेवेंटी थ्री क्वेश्चन में कहा गया है हमको दो संख्याएं ज्ञात करनी है वो संख्याएं ऐसी हैं दैट वन एक सीड मतलब होता है अधिक द अदर अदर मतलब दूसरी से जब दो संख्या हैं तो एक फर्स्ट हुई एक सेकेंड हुई तो सेकेंड को हम मान लेते हैं अदर नंबर तो जो अदर नंबर है अदर नंबर से जो आपकी फर्स्ट संख्या है वन का आ गया पहली संख्या अधिक वन एक्सीड्स पहली संख्या अधिक हो जा रही किससे दूसरी से यदि हम दूसरी को सपोज कर लेते हैं दूसरे नंबर को सपोज कर लेते हैं और उस अदर नंबर में हम कितना एलेवन को ऐड कर देते हैं एक मतलब एक मतलब हो गया बढ़ाना तो वो हमको फर्स्ट संख्या मालूम हो गई फिर फर्स्ट संख्या और अदर संख्या को सब होता है योग करना ऐड करना यदि हम फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या को ऐड कर देते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाता है सेवेंटी थ्री बीस आल दिस क्वेश्चन लेट दर नंबर इज कल टू यक्स हम मान लेते हैं जो अदर संख्या है वो यक्स है देन तब द फर्स्ट नंबर या वन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट संख्या है वो पहली संख्या से इलेवन अधिक है तो चलिए अब इस प्रकार हमने अधिक करने के लिए क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो हमको जो पहली संख्या x एक्स प्लस इलेवन हो गई और जो अदर संख्या जो दूसरी संख्या है वो यक्स हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है यदि हम इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हैं x प्लस एक्स प्लस एलेवन ये दो संख्या हो गई तो हमको कितना प्राप्त हो जा रहा है सेवेंटी थ्री ये हमारा इक्वेशन हो गया अब यहाँ पे देखिए वन एक्स प्लस वन एक्स इसको ऐड कर लेते हैं वेरिएबल को तो क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस एलेवन इजक्ल टू सेवेंटी थ्री अब यहाँ पे देखिए जो ए कांस्टेंट है इसको हम राइट right साइड ले जाएंगे तो टू एकजक्ल टू सेवनटी थ्री ये जो प्लस एक्स है जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एलेवन तो ये माइनस इलेवन हो गया फिर टू एक्स इजक्ल टू अब यहाँ सेवेंटी थ्री से एलेवन को सब कर देंगे वन से वंस को थ्री से वन माइनस कर देंगे टू सेवन से वन माइनस कर देंगे सिक्स अब टू एक्स स्क्वल टू कितना हो गया सिक्सटी टू तो एक्स स्क्वायर टू सिक्सटी टू बाई टू अब टू से सिक्सटी टू को डिवाइड कर देंगे तो देखो टू थ्री जा सिक्स और टू वन जा टू यदि हम सिक्सटी टू को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा थर्टी वन चलिए अब देखिए नंबर जो दिया गया है x की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई आंसर नंबर अदर नंबर इक्वल टू थर्टी वन फर्स्ट नंबर या वन नंबर वन नंबर में कहा गया देखिए पहले एक्स प्लस इलेवन यक्स की वैल्यू हमको मालूम हो गई थर्टी वन इसमें प्लस कर देंगे इलेवन वन वन टू थ्री वन फोर तो यहां पे क्या आ गया फोर्टी टू अब देखिए इसको हमने कहा यदि आप चेक करना चाहते हैं तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में आपके कि दो संख्याओं का योग कितना है सेवेंटी थ्री तो जो हमने आंसर निकाला अब देखिए पहली संख्या हो गई थर्टी वन और दूसरी संख्या हो गई फोर्टी टू इसको ऐड करने पे सेवेंटी थ्री आना चाहिए वन में टू ऐड कर दिया थ्री थ्री में फोर ऐड कर दिया सेवेंटी थ्री तो हमारा आंसर इज राइट right, जो आंसर निकला तो आप अपना जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आंसर आता है तो उसको आप चेक कर सकते हैं यदि दूसरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाता है आपका आंसर तो मान लीजिए हमारा आंसर सही है नहीं आता तो फिर आप देखिए कि हमने कहा क्वेश्चन में गलती की है बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड द सम ऑफ थ्री कंसक्टिव मल्टीपल्स ऑफ फाइव इज फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव फाइंड द मल्टीपल्स देखिए क्वेश्चन में कहा का, इसमें कहा गया है सम मतलब योग थ्री तीन कंसक्यूटिव मीन्स होता है क्रमागत क्रमागत का मतलब जैसे वन के बाद टू टू के बाद थ्री या 11, ट्वेल्व थर्टीन कहीं से भी जो उसके बाद नेक्स्ट संख्या क्रमागत संख्या कैसे मिलती है हमको मान लीजिए दिया गया तो वन ऐड करने से किसी भी संख्या में जिसकी हमको क्रमागत संख्या कंजूटिव नंबर मालूम करना उसमें आण, वन ऐड कर देंगे तो हमको वो संख्या मालूम हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्ड चलेट द नंबर लेट द नंबर एक्स अब सेकेंड हाँ अब देखिए आपका फाइव के मल्टीपल में आए तो सेकेंड जो आपका कंस्क्यूटिव नंबर हो जाएगा एक्स प्लस फाइव अब देखिए जो थर्ड होगा फाइव टू जो टेन होता है तो एक्स प्लस टेन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसमें एक क्या कहा गया यदि इनको ऐड कर देते हैं तो कितना हमको प्राप्त हो जा रहा है फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव चलिए ऐड करते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस टेन इजकअल टू फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव अब यहाँ पे देखिए एक्स 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 जो लेफ्ट साइड है तो एक एक्स टू एक्स थ्री एक्स कितना हो गया थ्री एक्स अब कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं फाइव प्लस टेन फिफ्टीन ईजक्ल टू फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव अब यहाँ पे देखिए थ्री एक्स स्क्वल टू फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस फिफ्टीन अब थ्री एक्स स्क्वल टू अब यहाँ पे देखिए फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव से फिफ्टीन को माइनस कर देंगे फाइव में से फाइव को माइनस करेंगे ज़ीरो फाइव से वन को माइनस करेंगे फोर फाइव से वन को माइनस करेंगे सॉरी इसमें नहीं है फाइव थ्री एक्स स्क्वल टू हो गया आपका फाइव हंड्रेड फोर्टी तो यक्स स्क्वल टू फाइव हंड्रेड फोर्टी बाई थ्री अब थ्री से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यक्स स्क्टू थ्री वन जा थ्री थ्री अब बचा इसमें टू ट्वेंटी फोर थ्री एट जा ट्वेंटी फोर जीरो बढ़ा देंगे यानी यहाँ पे देखिए थ्री से डिवाइड करेंगे हम फाइव हंड्रेड फोर्टी को तो हमारा एक की वैल्यू आ गई वन हंड्रेड एट्टी तो आंसर यहाँ पे देखिए आंसर तो जो हमारा आंसर आया अब देखिए पहला नंबर था एक की वैल्यू पहला नंबर कितना हो गया वन हंड्रेड एट्टी सेकेंड में देखो को हमने माना था एक्स प्लस फाइव अब इसमें फाइव ऐड कर देंगे तो वन हंड्रेड एट्टी फाइव तीसरा हमने क्या माना था एक्स प्लस टेन वन हंड्रेड एट्टी टेन में जोड़ देंगे तो वन हंड्रेड नाइन्टी ये हमारा आंसर हो गया अगर हम इनको चेक करना चाहेंगे तो चेक करने पे क्या है देखो इन तीनों का जो क्वेश्चन में दिया गया है तीनों का योग कितना आना चाहिए 555 चलिए हम चेक करते हैं तो जब चेक करेंगे तो देखो पहला नंबर हमारा है 180 हंड्रेड सेकेंड नंबर है 185 थर्ड नंबर है 190 प्लस करते हैं वंस कालम जीरो फाइव जीरो क्या आएगा फाइव टेंस कालम ऐड करते हैं एट एट सिक्सटीन सिक्सटीन नाइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव कैरी टू वन थ्री वन फोर वन फाइव अब यहां पे देखिए चेक करने पे तीनों संख्याओं का जो टोटल आ रहा है जो सम आ रहा फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव आ रहा है तो हमारा आंसर इज राइट टुडे इज होमवर्क क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स टूडेज होमवर्क क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स बच्चों आपको सॉल्व करके इसको आपको सेंड करना है थैंक यू प्यारे बच्चों जैसा कि विद्यालय मैनेजर ने बता दिया है आपको जो बच्चा प्रतिदिन यूट्यूब पर अपनी अटेंडेंस देगा वीडियो आपको भेजी जाती है उस वीडियो के नीचे कमेंट बाक्स है उस कमेंट बाक्स में जाके आपको अटेंडेंस डेली देना है जो बच्चा ऐसा करेगा उसको एग्ज़ाम में ट्वेंटी परसेंट मार्क्स दिए जाएंगे टेन परसेंट रहेगा आपका हाफ़ ईयरली में टेन परसेंट एनुअल में इसलिए प्यारे बच्चों आप पढ़ने के लिए वीडियो को देखिए जो नहीं समझ में आता है क्लास ज्वाइन करिए ऑनलाइन नहीं आता है टीचर से संपर्क करिए तो आपको संतुष्ट किया जाएगा और अपनी अटेंडेंस यूट्यूब पर देना न भूलें थैंक यू